नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल से NEFT और RTGS से लेन देन पर शुल्क हटा दिया। यह नियम 1 अगस्त से प्रभावी होगा। बैंक की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि 1 अगस्त से IMPS पर भी शुल्क नहीं लगेगा। बजट में पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा होने के बाद लगातार पांचवें दिन राहत का सिलसिला जारी है। शनिवार सुबह डीजल की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब तक फैक्ट्री ने एक भी कोच नहीं बनाया था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों को स्थायी निवास प्राप्त करने में मदद करने के मकसद से एक विधेयक पारित किया है जिससे उनकी एक दशक की प्रतीक्षा जल्द समाप्त हो जाएगी। हालांकि सीनेट में इसे अनपेक्षित अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी मोटरसाइकिल जिक्सर का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी दिल्ली में शोरूम कीमत 1,212 रुपए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।